प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ई पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग। ठीक है, जो प्रोसेस, जो क्रिया होती है इंसर्ट करने की, डिलीट करने की, कॉपी करने की, मूव करने की, ढूंढने की और बदलने की, टेक्स्ट को, शब्दों को, जो कुछ भी है उनको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडिटिंग। ठीक है, जब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, उसको फिर इंसर्ट करेंगे कहीं पे भी, या डिलीट करेंगे, या कॉपी करके कहीं मूव करेंगे, या ढूंढेंगे, या उसको बदलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडिटिंग। अब इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। पता ही है आपको, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलेंगे हम एडिटिंग। ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ वर्ड। ठीक है, मेथड्स आपको पता ही है, 3 मेथड्स जो मैंने बताए थे 9th क्लास में, या तो स्टार्ट मेन्यू से जाके, या तो यहाँ से, या तो डेस्कटॉप पे अगर शॉर्टकट बनाया हो तो वहां से रन कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, इंसर्ट कर देते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर दिया, यहाँ से शेप इंसर्ट कर दी। ठीक है, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, डिलीट भी कर दिया, या शब्द लिखे हमने, ये इंसर्टिंग कर दी। ठीक है, सिलेक्ट किया, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखा, डिलीट कर दिया, या कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, अब ढूंढने वाला काम, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। ये फाइंड, यहाँ पर मैंने ढूंढा मेयर बर्ड, ये देखो इसने ढूंढ दिया यहाँ पे। अब रिप्लेसिंग वाला काम, ये देखो फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है, उसको किससे रिप्लेस करना है, मैंने बैड वर्ड से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस। ये देखो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड व्हाट, मेयर, रिप्लेस, रिप्लेस, लॉस। ठीक है, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, डिलीटिंग, ये होगी एडिटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फॉन्ट, अक्षरों को बदलना, फॉन्ट साइज, अक्षरों का साइज बदलना, फॉन्ट कलर, अक्षरों का रंग बदलना इत्यादि, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग, ये अक्षरों को हमने सिलेक्ट किया, इनका हमने रंग बदला, ठीक है, इनका हमने साइज बदला, इनका हमने स्ट्राइप बदला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट की उसकी स्थिति कहाँ पे रखनी है, ठीक है, उसकी सीध कहाँ पे रखनी है, स्थिति कहाँ पे रखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? अलाइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग टेक्स्ट इन लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड मैनर ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ प्लेसिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को प्लेस करना बाईं तरफ, दाईं तरफ, या बीच में, या फिर जस्टिफाई मैनर में, या फिर बराबर लाइंस में, जस्टिफाई बराबर लाइंस में रखना है, मैनर तरीका ऑन द डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, हम शब्दों को कैसे रखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ।
थोड़े से वर्ड्स के साथ। मान लो ये है, अभी तो कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड है, ये आ गया सेंटर में, ये आ गया राइट में, और जस्टिफाई में एक सीधी में, सीध में आ जाता जो कुछ भी हो लाइन। जैसे ये लिखा हुआ है हमने, ये इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, या मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको करना है हमने जस्टिफाई मैनर में। इनकी पूरी की पूरी जो भी लाइंस होती है ना, उनको कर देता है ये बराबर। ठीक है, एक सीध में ले आता है, तो अलाइनमेंट भी हमारा हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब हेड, ऊपर, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे हेड होता है हमारा सर, है ना, यानी कि ऊपर, और फुटर मतलब जैसे पैर होते हैं नीचे, फुटर पेज में भी सेम वैसे ही होते हैं, उसका सिरा होता है और निचला हिस्सा भी होता है पेज का, है ना। Header is a small text that appear at the top of document. Header एक छोटा सा टेक्स्ट होता है जो दिखाई देता है, अपीयर होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, और फुटर जो है वो भी एक छोटा सा टेक्स्ट है, परंतु ये अपीयर होता है एट द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के नीचे अपीयर होता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है हमने। जैसे मान लो ये पेज है हमारा, यहाँ पे जैसे ये है ना पॉइंटर, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं मूव, यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हेडर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया हेडर, यहाँ पे मान लो हमने पेज के नंबर्स लिखने हैं, पेज वन, ठीक है, ये हो गया हेडर पेज का, पेज का ऊपरी हिस्सा, पेज का सर जो हो गया हेडर, और नीचे आ गया इसका देखो फुटर, ये पैर है इसका। यहाँ पे मान लो हमने डेट लिख दी, जैसे 4th of May 2000, ठीक है, तो ये है हेडर और फुटर। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो 6 क्वेश्चन तक ही काफी था, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।